संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय स्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। जो बाबा के जीवन में भी परिवर्तनकारी बनी, विशेष रूप से जो पहला नंबर नरसिंह नारायण बने, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया? बाबा जो कहते हैं फॉलो फादर, तो फॉलो फादर इन व्हाट रेस्पेक्ट, किस बात में फॉलो करें बाप को? बाप का जिस रीत से परिवर्तन हुआ, उस रीत से हम उसको फॉलो करें, तभी तो हम बाप समान बनेंगे। बाप समान कैसे बन जाएंगे? अगर बाप समान परिवर्तन की प्रक्रिया हमारे में नहीं आएगी, परिवर्तन का पुरुषार्थ हम उनके समान नहीं करेंगे, तो फाइनल में उनके समान हम कैसे बनेंगे? विचार लगाइए। तो इसलिए हमें ये पहले ध्यान देना चाहिए, जैसे आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं या और कोई किताब पढ़ते हैं, उसमें से कई दफा कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ हाथ का निशान बना रहता है और लिखा रहता है इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना। और कई दफा हम समझते हैं ये कई दफा यूनिवर्सिटीज में कई साल में आ चुका है, तो हम अपनी तरफ से एक मोस्ट और लगा देते हैं, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ताकि रिविजन में हम इसको भूल ना जाएं, ये बहुत जरूरी है, ये आएगा ही आएगा, इट इज ए मस्ट, ये कई दफा आता है। इसी तरह से बाबा की जीवन कहानी जो एक परिवर्तन की कहानी है, जीवन कहानी को हम कहते ही ये हैं कि ये बाबा की जो जीवन कहानी है ये ऐसी अलौकिक कहानी है जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने वाली कहानी है। और कहानियों में और बाबा की जीवन कहानी में ये विशेषता है, और आप कहानियां पढ़ें तो वो जीवन के परिवर्तन की कहानियां नहीं है, वो तो एक रुचिकर चीज है, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपने एक मनोरंजन के लिए कहानी पढ़ ली, हो गया। लेकिन बाबा के जो जीवन की कहानी है, जिसको हम अलौकिक जीवन कहानी कहें, वो परिवर्तन लाने वाली कहानी है। जो पढ़ेगा उसको उसके परिवर्तन आएगा, अगर ठीक तरह से उसको पढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं। आज तक कितने लोग मुझे मिले होंगे जिन्होंने बाबा की जीवन कहानी हिंदी या इंग्लिश में पढ़ी होगी, जो ज्ञान में नहीं आए, ज्ञान में आने से पहले ही किसी ने उनको किताब दे दी और उन्होंने वो पढ़ी, तो वो हमें कहते हैं कि जी वो किताब बहुत अच्छी है। तो हमने उनसे कहा कि आपको क्या अच्छा लगा, ये जानने के लिए कि इनको अच्छी क्यों लगी है, क्या इन्होंने उसमें से प्राप्त किया। तो उनकी सारी बात सुनने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसको पढ़ने के बाद उनके जीवन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया, वो भी उससे अनटच्ड नहीं रहे, अनचेंज्ड नहीं रहे। तो उनमें से भी उनकी तरफ जो बहुत ज्यादा चेंज करने वाली बातें थी, जिन्होंने उनकी तरफ ध्यान दिया उनके जीवन में ज्यादा परिवर्तन हुआ, और जिन्होंने उन तरफ ध्यान ना देके और बातों की तरफ ध्यान दिया उनमें कम परिवर्तन हुआ, ये हमने देखा। डिटेल्स तो बहुत है उसमें, तो उसमें आप पांच चार बातें जो मुख्य हैं, जो परिवर्तन के लिए जरूरी हैं, जिससे बाबा के जीवन में परिवर्तन आया, वो अगर हमारे जीवन से खिसक जाती हैं, हमारे मस्तिष्क से फिसल जाती हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे भी परिवर्तन की प्रक्रिया अगर रुक नहीं जाती तो स्लो जरूर हो जाती। उसमें से पहले पहले हम ये पढ़ते हैं, ये सुनते हैं कि बाबा ने विनाश का और सातु की सृष्टि का साक्षात्कार किया। ये दो बातें बाबा के जीवन में परिवर्तनकारी हुई। बाबा तो हीरे जवाहरात का धंधा करते थे, भक्ति कर रहे थे और अपना लौकिक रूप से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। साकार
sweet.